इंदौर शहर में समाज सेवियों द्वारा मातृशक्ति सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह पूरा आयोजन विधानसभा एक वार्ड क्रमांक 4 में 28 फरवरी को आयोजित होगा। जी बताइए, महिलाओं का सम्मान करने जा रहे हैं, क्या पूरा आयोजन है आपका, किस प्रकार का? हमारा प्रोग्राम ये है, आयोजन ये है कि दुर्गा स्वरूपा 9 मातृशक्तियों को सम्मानित करेंगे और अलग अलग क्षेत्रों से महिलाओं को बुलाया है। 9 पद्मभूषण जो महिलाएं हैं उनको बुलाया है, उन्हीं का सम्मान हम करेंगे। और हम चाहते हैं नारियां आगे बढ़े, क्योंकि कुछ समय पहले नारियां पर्दे के अंदर ही रहती थी और हम चाहते हैं कि नारियां आगे निकलें और कुछ प्रतिभाशाली कुछ काम करें। समाज की महिलाओं को एक मंच पर लाकर उन्हें समाज में आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, साथ ही उन्हें समाज के लिए अच्छे काम करने के लिए प्रेरित भी किया जाएगा। इसमें विशेष अतिथि के रूप में पूर्व सांसद लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर आदि कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। वही द्वारा नारी शक्ति सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है, क्या किस तरह से यह सम्मान समारोह होगा, आपके मन में इस सम्मान समारोह को लेकर क्या विचार है? ठाकुर साहब, स्वर्गीय घनश्याम सिंह परिहार जी के मन में स्त्रियों के प्रति बहुत सम्मान का भाव था और लगातार उन्होंने अपने समाज, संस्कृति, परंपरा के लिए काम किया है। उनके मन में था कि कभी ना कभी ऐसा कोई एक बड़ा आयोजन होना चाहिए जिसमें सभी मातृशक्तियों को इकट्ठा किया जाए और वो कार्यक्रम किया जाए, उसी की वो रचना कर रहे थे। लेकिन ईश्वर ने जो है वो हमारे बीच में नहीं रहे, तो उसी को आगे लेकर के आदरणीय पुष्पा घनश्याम सिंह परिहार जी ने वो बीड़ा उठाया और किस प्रकार से वर्तमान समय में, कोरोना के समय में, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने समाज के लिए बहुत काम किया, जब आवश्यकता लगी तो समाज का नेतृत्व भी किया और समाज को अपने नाम से एक अलग पहचान दिले, ऐसी सभी महिलाओं का सम्मान समारोह है। इस आयोजन में आदरणीय सुमित्रा महाजन ताई जी रहने वाले हैं, इसके अलावा पद्मश्री भूरीबाई जी रहने वाले हैं और इसके साथ ही पद्मश्री जनक पलटा दीदी रहने वाले हैं। तो वो सभी महिलाएं इसका प्रतिनिधित्व करने वाली हैं जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए, पर्यावरण के लिए, संस्कृति के लिए और परंपरा के संरक्षण के लिए काम किया है, ऐसी सभी महिलाओं के सानिध्य में कार्यक्रम होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, JSR टाइम्स। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।